बड़ी खबर आपको देते हैं। बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी आज अपना पर्चा भरेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ रही हैं भाटी, और जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी आज पर्चा भरेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, आज जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं रविंद्र सिंह भाटी, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या अपडेट है, कितने बजे पहुंचेंगे पर्चा भरने के लिए? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी आज सभा को संबोधित करेंगे और करीब 11 बजे वो सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और आदर्श स्टेडियम में उन्होंने सभा रखी गई है। तो यहाँ पर आज माना ये जा रहा है कि कल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सभा रखी गई थी, जिसके अंदर बड़ी संख्या में जनसमूह उमड़ा था, तो उसको देखते हुए ये देखा जा रहा है कि आज की जो संख्या होगी उसके ऊपर निगाह होगी और बड़ी संख्या आने वाली है, ऐसी मैसेज भी आ रहे हैं। और इसमें रविंद्र सिंह भाटी बड़ी दमदार तरीके से त्रिकोणीय मुकाबले में आ चुके हैं, क्योंकि निर्दलीय वो चुनाव सीयू से भी लड़े थे, वहां पर भी चार लोगों के बीच में वो चुनाव जीत करके आए थे। तो अभी भी लोगों का जो समर्थन वगैरह है वो रविंद्र सिंह के साथ में है और वो करीब 11-12 बजे सभा में आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में वो रैली के साथ में कलेक्ट्रेट पहुंच करके एक बार फिर अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि 30 तारीख को उन्होंने अपने 2 नामांकन दाखिल कर चुका है और एक बार फिर वो 2 नामांकन दाखिल करेंगे। प्रेमदान, रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में आने के बाद ये मुकाबला कितना दिलचस्प हो गया है? देखिए, मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी न केवल बीजेपी की वोट तोड़ रहे हैं, इसमें ये कांग्रेस के जो वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी कर रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला बड़ा रोचक हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की अपने जो मूल वोट बैंक है उसको कैसे वापिस सेट कर पाती है या उनके खेमे, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो भाजपा को नुकसान हो रहा है। ठीक है प्रेमदान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर, सरकारी कार्यालय